लंगे डिवीजन के जो हमारे लास्ट टू लास्ट ईयर ये इनका जो अलाटमेंट हो गया था, तो उसके बाद में फिर इनका थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था हमारा अपना डिपार्टमेंटल लेवल पे। तो उसके बाद मेरे मुझे चीफ इंजीनियर साहब ने आर्डर निकाला कि एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हंदवाड़ा इनको आप टेकअप करो। तो अकॉर्डिंग हमने ये टेकअप किए, तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज हमने इनको ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर दिया। चार रोड्स हमारी कम्प्लीट हो गई हैं, एक और रह गई है, वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 8 से 10 दिन में कम्प्लीट करेंगे। और इसके साथ हमारी टीम्स जो होती हैं वो 3 टायर क्वालिटी मॉनिटरिंग होती है हमारी। एक तो हमारा अपना डिवीजन की जो टीम होती है जो कंटिन्यूसली इनके साथ रहती है और जो मैग्नमाइज करवाते हैं, वो टीम एक क्वालिटी कंट्रोल करती है, वो डेप्थ्स वगैरह चेक करती है और विड्थ्स वगैरह चेक करती है और मटेरियल का जो मटेरियल की ग्रेडिंग वगैरह चेक करती है। उसके बाद में हमारा जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक टीम आती है, वो क्वालिटी कंट्रोल चेक करती है आफ्टर लेइंग एंड ड्यूरिंग लेइंग। इसके बाद में हमारा जो है वो चीफ इंजीनियर की तरफ से हमारी एक टीम आती है जिसके साथ में हमारा फाइनल टच होता है। अगर कोई भी टीम इनमें से कोई ऐसा रिपोर्ट देती है कि दैट द मैग्नमाइजेशन इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स, तो उसको हम सारे का सारे निकलवा देते हैं और वापस दोबारा उस पैच। आज जो है हमारा गाजियाबाद का दौरा था, तो इसमें हमारे एग्जन साहब जो हैं एग्जन हंदवाड़ा फारूक साहब ये हमारे साथ है। चूँकि इस वक्त जो है हम इस वक्त गाजियाबाद में हैं जो कि R&B डिवीज़न लंगेट का एरिया है, बट हाँ यहाँ पे स्पेशली जो है कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स जो हैं नबार्ड के, उन पे काम जो है वो कभी 1-2 महीने पहले जो रुका हुआ था, और इस वक्त एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हंदवाड़ा फारूक साहब जो हैं इन्होंने मतलब इनके सुपरविजन में ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, और कहीं कहीं पे कुछ टेक्निकल इशूज़ थे तो उनको दूर किया गया, और हम होपफुल हैं कि विद इन डेज जो है ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे। जैसा कि एग्जन साहब ने आपको कहा कि 4 प्रोजेक्ट जो हैं वो कंप्लीट हुए हैं और एक प्रोजेक्ट जो है उसमें कुछ थोड़ा बहुत अब काम बचा हुआ, वो भी कंप्लीट हो।